कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सारे फिट फाट होंगे। मूवी देख रहे हैं डेंजरस खिलाड़ी टू। तो कल हमने मिस कर दिया था पार्ट, तो आज देखते हैं जहां से छोड़ी थी। करें स्टार्ट। चले जी। आराम से बैठी हो ना? तुम कहां बैठे हैं लोग? आराम से ये पकड़ो, होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से नसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास रखो, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तू और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? चीखड़े कर दिए, इज्जत का भाजी पाला कर दिया। गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुंह काला हो गया। खंबे जैसी खड़ी है, चल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा। वायलिन ब्रह्मा, ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा? मैं हूँ संजू, संजू चौहान। संजू चौहान, हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और फिर दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सटिया गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है की परवाह। खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में देने वाला। ला, उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर वन वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ, अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे, तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन बन गया। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? आओ। नहीं संजू। अरे आओ ना। नहीं ना संजू प्लीज। डरती क्यों? डरती आती है। आपने तो कहा था वो दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी दिखाई देंगे। ये लड़की संजू, अलग कास्ट की वजह से पापा कभी नहीं मानेंगे। हाय एवरीबॉडी। हाय कोमल, मैं संजू का पापा, ये है संजू की मम्मी सुमन। हाय बेटा। नमस्ते। देखिए तो सही, दैट हैंडसम बॉय इज माय सन संजू। नमस्ते अंकल। क्या ये वही है जिसने हमारे वायलिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो। मेरे वायलिन का दुश्मन। मैंने और शर्मा जी ने सारी बातें कर ली हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। वी हैव एक्सेप्टेड योर लव।
मैं 40 साल से वायलिन बजा रहा हूँ, मास्टर हूँ, आपकी तो ऊपर तक पहचान है। सिफारिश लगाकर मुझे जरा पद्मश्री दिलवा दीजिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। अरे भाई साहब, पद्मश्री मिलना इतना आसान काम नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझो, हो गया, ये हुई ना बात, चलो मिला लो हाथ। परसों सुबह 9 बजे मम्मी पापा और बाकी सब आ रहे हैं। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। शॉपिंग की सारी टेंशन संजू संभाल रहा है। हे भगवान, सब कुछ बस इसी तरह चलता रहे। और तभी फोन की घंटी बजी। आगे के सारे पेज खाली, आखिर उसके बाद क्या हुआ? अब तो उनकी शादी हुई या तो फिर हुआ क्या? संजू, कोमल कहाँ है? तुम कोमल के बारे में कैसे जानती हो? मैं उसी जगह रहती हूँ जहाँ पहले कोमल रहती थी। मुझे वहाँ उसकी डायरी मिली। मैं जब से आई हूँ तब से तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई है। उसके बाद क्या हुआ? कोमल कहाँ है? कहीं तुम दोनों अलग? क्या कोमल को कुछ हो गया है? Hello. Is this Miss Kamal? Yes. This is Dr. Stephen from Hilton Hospital. Mr. Sanju has met with an accident and he's in serious condition. Please come fast. ये क्या? वो इधर कर रहा है। Sanju, Sanju वो फोन पे। क्या ये किसी वो गेम के लिए? उन्होंने किया है, ये वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाई थी। साला शीलो, देखो कैमरा कहाँ रखा हुआ है। मिल गया भाई, उसे पूछो कि वीडियो किस किस को भेजा है। किस किस को भेजा? ये वीडियो कैसे शूट हुआ मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? बोल किसे भेजा। वो साली नौटंकी करती है, उसको तो फटके मार के पूछ। वीडियो और किसको भेजा? Sanju!
उनको पता ही नहीं के बारे में आप लोग ले रहे कैमरा लेके उसकी जान छोड़ के जान छोड़ पता नहीं इस चीज का लगा लड़की ने वीडियो बना किसी को सेंड की है वो शक कर रहे हैं इस पे पर अच्छा इसी वजह से वो लड़की अब उसके साथ नहीं है पता नहीं लड़की मर गई है लड़की पर है जैसी बात है वो लड़की भी उसने मरी जाना था इसलिए वो चुप रहना चले अगले पार्ट में देखते हैं जी लड़की का क्या बना है नहीं उसे लेके हॉस्पिटल तो गया होगा देखते हैं क्या बना है देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में।